भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश में क्यों आने की बात के पूछ रहे हैं आप? ये बात तो आम जनता से आप पूछिए। तो मैं जिस गांव में गया हूं, मेरे लगभग 50-60 गांव के दौरे हुए हैं, और उन गांव में वो किसी जाति धर्म के व्यक्ति हो और उसमें इस तरह का जो माहौल है वो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और राजस्थान में वसुंधरा जी को देखना चाहते हैं, चूँकि वसुंधरा जी मंत्री थी राजस्थान की। दरअसल में उस टाइम जो किसानों को बिजली, पानी, सड़क, तीसरा जो शिक्षित बेरोजगारों को जो रोजगार मिला ना कांग्रेस के राज में, उसके बदले के हिसाब को देखते हुए तो कुछ नहीं हुआ। अशोक गहलोत जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हित में, शिक्षित बेरोजगारों के हित में, या शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, या दूसरा आपके सार्वजनिक विभाग के जो रोड्स हैं उनमें काम नहीं हुआ। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा आता रहा उस पैसे को खर्च नहीं किया। वहाँ की जो जब तक आपको गवर्नमेंट प्रदेश जो है आपको केंद्र को आपकी एनओसी नहीं भेजेगा या उसका हिसाब नहीं देंगे तो दूसरा पैसा नहीं आ पाता है। पूरे देश में ऐसा होता है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके आधार पर पूरे प्रदेशों में विकास का पैसा लगता है। राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे कोई किसी भी प्रदेश में गवर्नमेंट हो देश में, या राजस्थान की जो सरकार है, केवल इन्होंने अपना केवल अशोक गहलोत का नाम, सोनिया गांधी का नाम, राहुल गांधी का नाम, इन्होंने अशोक गहलोत ने सोनिया राहुल गांधी को तोते की तरह पढ़ रखा है, रट रखा है। उनका कोई विकास राम का चीज नहीं है। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में PMGSY की कोई रोड नहीं बनी, आपका जो BT की रोड कोई नहीं बनी, पेवर रोड जो बननी थी वो नहीं बनी। हर गांव में गड्ढे हैं, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। जहाँ CSC कहा जाता है, चिकित्सा के जितने हॉस्पिटल हैं उनमें 50 बेड की घोषणा और डॉक्टर एक नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आपके प्रिंसिपल नहीं है। इसलिए शिक्षा, चिकित्सा, इनमें हालात जो है गाँव में बहुत अच्छी नहीं रही। हमारे गवर्नमेंट के टाइम में, BJP के टाइम में जो काम हुए और वो जो सेंक्शन निकली और उसके बाद में जो काम कंप्लीट हुए, आचार संहिता की वजह से हम लोग उनका उद्घाटन नहीं कर पाए। इन्होंने उनके उद्घाटन में केवल पत्थर लगाए हैं, शिलान्यास नहीं, उद्घाटन के पत्थर लगाए हैं, लोकार्पण के पत्थर लगाए हैं। कहीं भी शिलान्यास के पत्थर नहीं मिलेंगे, केवल लोकार्पण के पत्थर मिलेंगे। हमारी गवर्नमेंट का जो पैसा लगा, हमारी योजनाओं में जो राजस्थान प्रदेश में योजनाओं का जो पैसा था, उन पैसों को हमने काम किया, उसके पत्थर लोकार्पण के इन लोगों ने लगाए हैं। इस प्रदेश में मैं इस मेरे विधानसभा क्षेत्र अलवर की आपको बता दूं, अलवर विधानसभा क्षेत्र में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। वो क्यों है? एक तो आम जनता ये चाह रही है कि राजस्थान प्रदेश में वसुंधरा जी हों और केंद्र में नरेंद्र मोदी हो। नरेंद्र मोदी का ज़्यादा वो चल रहा है। मैं यहाँ लोकल हूँ, स्थानीय अलवर में रहता हूँ। मैं पहले खैरतल से विधायक था, मेरे खैरतल विधानसभा क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतें इस अलवर ग्रामीण में लगती हैं। हमारे यहाँ जाति समीकरण के आधार पर, दूसरा यहाँ जो जनसंपर्क का मतलब ये नहीं है, मैंने पार्टी में जब से मैं राजनीति में आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया है। मैं TET में सरपंच रहा, एजुकेशन का चेयरमैन जिला परिषद में रहा, आपका विधायक 2003 से 8 तक रहा। तो यहाँ लोकल होने के बाद में यहाँ जो विकास कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेरे टाइम में जो हुए, चाहे स्कूलों का काम था, पानी सड़कों का काम था, आज़ादी के 55 साल तक हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ था, हमारे टाइम में हुआ। इसलिए लोगों की इच्छा है, ये डिमांड भी थी कि टिकट भारतीय जनता पार्टी का जयराम जाटो को मिलना चाहिए। वसुंधरा जी के टाइम में कहा, धौलपुर पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ के जो पदाधिकारी गए वह भी कहा, और ऐसा हुआ है। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, जनता माता के रुझान के माध्यम से, मतदाताओं के रुझान के माध्यम से, हम जो चुनावी दौरे कर रहे हैं उनके माध्यम से कहते हैं कि आम जनता का रुझान मेरे पक्ष में, यहाँ अलवर ग्रामीण में BJP के पक्ष में, केंद्र में नरेंद्र मोदी के पक्ष में, प्रदेश में वसुंधरा जी के पक्ष में है। मैं चुनाव अलवर जिले में सबसे अधिक वोटों से जीतूंगा, अलवर जिले में सारे दलों में अलवर जिले में सबसे ज्यादा वोटों जीतूंगा, लगभग 30,000 से ज्यादा वोटों जीतूंगा।